प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 3 में दी गई कविता आम की टोकरी इसे पढ़ने की अभ्यास करेंगे। ये पेज नंबर 23 में दी हुई है। पहले मैं इस कविता को एक बार पढ़ दूंगा और उसके बाद फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो ये छोटी सी कविता है, इसे आप लोग को पढ़ने की अभ्यास करनी है। तो इसमें जो कविता की पहली दो पंक्तियाँ हैं, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, तो इससे पता चल रहा है कि इस कविता में जो छोटी बच्ची है उसकी उम्र 6 साल है और वो सर पर आम से भरी एक टोकरी लेकर आ रही है। कविता के अगली दो पंक्तियों में टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, जो छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 6 साल है तो वो टोकरी से भरे आमों को अपने सर पर रखी है और उसे बेचने के लिए आई हुई है, लेकिन वो दाम किसी को नहीं बता रहे, आम का जो दाम है वो किसी को नहीं बता रही है। फिर कविता की अगली दो पंक्तियाँ हैं, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, यानी आम जो टोकरी में पके हुए आम हैं उसे दिखाकर सभी को वो ललचाती है और ख़रीदने के लिए सभी को बुलाती है। उसके बाद हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि लोग जब आम खरीदने के लिए जा रहे हैं उसके पास, तो वो केवल आम को ही बेचती है लेकिन अपना नाम किसी को नहीं बताती। इसके बाद आखिरी की जो दो पंक्तियां हैं, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना, तो लोग भी कह बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम नाम नहीं बता रही हो तो अब हम पूछेंगे नहीं, हमें तो केवल जो पके हुए आम तुमने सर पर रखी हुई है टोकरी में उसे हमें खाना है। तो ये छोटी सी कविता है, इसे आप लोग घर पर ही पढ़ने का अभ्यास करोगे। इसके अलावा इस कविता में केवल एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप लोगों को पेज नंबर 24 में अपनी किताब में ही करनी है। तो हम देख सकते हैं कि कविता की जो छोटी लड़की है उसका चित्र बनाया हुआ है और ये लड़की अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और हमसे कहा गया है ये लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी, चित्र बनाओ। तो हमने कविता में पढ़ा है कि लड़की जो है वो सिर पर आम से भरी टोकरी लेकर जा रही है, तो आप लोगों को एक सुंदर सा आम से भरी टोकरी का चित्र बनाना है और उसे रंग भरना है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग अपनी किताब पे ही कर लोगे। धन्यवाद।